हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आई एम टुडे डिस्कस हियर ELP CBT 3 सिलेबस। देयर आर 5 बैटरी टेस्ट इन द साइको टेस्ट। तो पहली बार जानते हैं कि जो रेलवे नोटिफिकेशन दिया है उसमें 5 बैटरी टेस्ट है, और जिसमें क्या करना है, 42% लाना नंबर कंपलसरी है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि करके कि साइको टेस्ट होता क्या है, और किससे देते हैं साइको टेस्ट, और कौन कौन से तरह का साइको टेस्ट पूछता है। तो पहली बात जानते हैं कि साइको टेस्ट देने का आवश्यकता क्या पड़ा। देखिए, कोई क्या साइको टेस्ट मतलब ये कोई एग्जाम नहीं है कि पढ़ के देना है, ये मेंटली टेस्ट है जो हर एक लोको पायलट के अंदर होना चाहिए काबिलियत, कि वो सडनली इंस्ट्रक्शन को समझ सके, सडनली डिसीजन ले सके। तो इसके लिए सब टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट में क्वालिफाई करने का मतलब ये रेलवे समझता है कि मतलब ये मतलब इस टेस्ट को क्वालिफाई कर दिया तो ये मतलब रेलवे लोको पायलट का जॉब ये आसानी से और सुविधाजनक से कर लेगा, कोई डिफिकल्टी ये टास्क नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि करके ये टेस्ट कौन सा है साइको टेस्ट। तो पहला बात करते हैं मेमोरी टेस्ट। बात करते हैं मेमोरी टेस्ट क्या होता है। तो पहले समझते हैं कौन कौन सा टेस्ट आना है और कितना क्वेश्चन देगा, उसके बाद से एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग एक एक करके, समझें क्या कितना कौन सा कुछ तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में क्या होता है, इसमें दो क्वेश्चन रहेंगे, 21 नंबर का, 21 नंबर का, और टोटल मिला के कितना 42 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, 42 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें जैसे एक क्वेश्चन का देगा 2 मिनट आपको देगा लर्न करने के लिए, कि मतलब आप उसको देख के पूरा केयरफुली मतलब याद कर लें कि कौन सा स्टेज मतलब क्या कहाँ पे है, और फिर उसको मतलब 2 मिनट के बाद से वो गायब हो जाएगा, और फिर 2 मिनट के बाद से आप उसको उसी स्थान पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। तो वैसे करके ये दो टेस्ट आएगा जो टोटल 8 मिनट का रहेगा। अब उसके बाद से आता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, निर्देश समझने की योग्यता परीक्षण। जैसे मान लीजिए कि इसमें भी क्या होगा, टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 20, और जिसमें मिलेगा हम लोग को 5-5 मिनट का समय मिलेगा। और फिर तीसरा आएगा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, जैसे मतलब कितनी गहराई तक हम लोग सोच सकते हैं चीज़ों को, उसके लिए हम लोग ये टेस्ट देते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। तो ये मतलब इसमें आएगा टोटल 50 क्वेश्चन जो रहेगा 5 मिनट का। ठीक है, और फिर उसके बाद से आता है कंसंट्रेशन टेस्ट, एकाग्रता परीक्षण। ये तो आपको पता ही, किसी भी वर्क को करने के लिए कंसंट्रेशन रहना कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसमें चौथा जो टेस्ट है उसमें कंसंट्रेशन टेस्ट, इसमें 96 क्वेश्चन रहेगा 4 मिनट का। और फिर आएगा स्पीड परसेप्शन टेस्ट, गति परीक्षण, जिसमें रहेगा आपको 40 क्वेश्चन 4 मिनट के लिए। इतना तो बस केयरफुली आप लोग समझिएगा। अब बात करते हैं एक एक टेस्ट को केयरफुली, कि मतलब कौन कौन सा टेस्ट किसमें पूछेगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो होता है 5 टाइप के टेस्ट होते हैं टेस्ट। ठीक है ना, इसमें से कोई रेलवे पूछ दे कुछ नहीं पता है कि कौन सा पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है कौन से शिफ्ट में किसका एग्जाम क्या आ रहा है। तो इसमें देखिए 5 टेस्ट होता है। तो पहला होता है कि जैसे हम लोगों को कोई नक्शा दे देगा, नक्शा दे देगा, नक्शा को लर्न करके उसको एजिटेट रखना होगा, या तो फिर दूसरा आता है फोटो वाला, फोटो टेस्ट। तो जैसे मान लीजिए कि हमको दे देगा ये स्टार को बोल दिया 23 नंबर, और ऐसे इसको बोल देगा 24 नंबर, ऐसे मतलब हैश को बोल देगा 26 नंबर। तो ऐसे टेस्ट पूछेगा, और इसको मतलब कुछ देर के बाद से ये नंबर मिटा देगा और 4 ऑप्शन देगा, और पूछेगा कि इसका नंबर कौन सा था, इसका नंबर कौन सा था, ऐसे टेस्ट होता है। और ये दूसरा टाइप हो गया, और ये तीसरा टाइप होता है ट्रैक टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे मतलब बहुत सारा ट्रैक बना देगा, ऐसे ऐसे, अब यहाँ लिख देगा DLS LKO, मतलब ऐसे करके लिख देगा 12 क्वेश्चन। और उसके बाद से इसका पूछेगा कि बताइए इसका यहाँ पे क्या था, इसको गायब कर देगा ऑप्शन में, और फिर 2 मिनट के बाद से गायब हो जाए, फिर पूछेगा क्या क्या था। ऐसे करके इसमें 5 टेस्ट होता है। और फिर तीसरा होता है फिगर मैचिंग। ठीक है, और फिर पांचवा होता है फिगर डिफरेंस। तो
ये जो है ना, ये पांचों टेस्ट में से, ये किसी पांचों टेस्ट में से कोई हम लोग में एक ही रहेगा, चाहे हम लोग को नक्शा वाला दे दे, या तो फोटो वाला दे दे, या तो ट्रैक टेस्ट दे दे, या तो फिगर मैचिंग दे दे, या तो फिगर डिफरेंस दे दे, ये मेमोरी टेस्ट में इन पांचों में से कोई एक ही क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, हम लोग को प्रॉपर तैयार रहना है कि जो भी क्वेश्चन पूछे उनको बढ़िया से रिमेम्बर करके और बढ़िया से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये वाला क्वेश्चन जो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट में कौन कौन सा आता है। तो बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी हम लोग का दो तरह का आता है, एक मैट्रिक्स टाइप का आता है, ठीक है, और एक आता है क्लॉक टाइप का। इसमें क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरह का ये डायरेक्शन पूछता है, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट साउथ हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं एक एक करके सारे टेस्ट को डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन करूँगा तो बताएंगे पूरा डिस्कस में और डिटेल में कैसे पूछता है, ठीक है ना। तो इस तरह का दो क्वेश्चन पूछता है इसमें फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में, जबकि जैसे लोगों को पहले जब ड्राइविंग करता है तो डायरेक्शन को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर पाता है या नहीं, इसके लिए टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। और तीसरा आता है हम लोगों का डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, मतलब किसी चीज़ को हम लोग कितना गहराई से सोच सकते हैं, इसके लिए भी दो टेस्ट होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है मतलब पूछ देता है कि E2 जैसे मतलब ये, इसमें ठीक है, जैसे इसमें ईंटों का टच करने का संख्या पूछ देगा, मतलब ये ईटा कितने से टच कर रहा है, इस तरह का पूछ देता है, या तो पूछ देगा कि छूने की संख्या, या तो पूछ देगा आपका इडेंट ट्रायंगल पूछ देगा, ठीक है। इसमें पूछ देगा कि ये जैसे इसमें कितना मतलब हिडन ट्रायंगल है, इसमें हिडन क्यूब कितना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, छुपा हुआ ईटा, ठीक है। अब उसके बाद से आता है ये, आप फिर जानते हैं चौथा टेस्ट है कौन सा, तो इसके लिए होता है कंसंट्रेशन टेस्ट। इसके लिए क्या करता है, नंबर दे देगा 2, 1, 3, 4, 5 और इसके बाद से लिख देगा 2, 1, 2, 4, 4, 5। तो इसके लिए क्या करने को पड़ेगा, हम लोग को मैच करना पड़ेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन मतलब सही है, कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं मैच कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को आएगा कितना, 96, जो करना रहेगा 4 मिनट में। इसके लिए बहुत स्पीड चाहिए, लेकिन जब लोग करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इजी से हो जाएगा। इसको कहते हैं यस नो टेस्ट, ठीक है ना, यस नो टेस्ट। उसके बाद से देखते हैं स्पीड परसेप्शन टेस्ट, गति परीक्षण। उसके बाद से उसमें क्या करेगा, ये आकृतियों को मिलाना, मतलब चार ऑप्शन देगा और उसके बाद से एक उसमें फिगर मैच करेगा, तो इस तरह को उसको सही मारना रहेगा, ठीक है। या तो फिर ऐसे चार ऑप्शन में से एक फिगर मैच करेगा, या तो क्या करेगा, एक फिगर मैच करेगा और फिर उसे कर देंगे और फिर आकृतियों को मिलाएगा, तो फिर चार आकृति देगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके चार आकृति दे देगा और फिर इसको मैच करना रहेगा, तो इसको ऐसे मैच करेंगे, तो इस तरह का भी टेस्ट आता है, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे डिफिकल्ट टेस्ट कौन सा है, तो सबसे डिफिकल्ट टेस्ट हम लोग का ये है मेमोरी टेस्ट। उसके बाद से इसमें तो बस प्रैक्टिस मांगता है, बस इसमें आप लोग को डिपेंड करता है कि आपका मेमोरी कितना जल्दी रिमेम्बर कर सकता है चीज़ों को, कि जैसे आपसे कोई कहे कि आगे हमको ट्रेन रोकना है तो फिर आपका मेमोरी तेज रहे तभी तो उस चीज़ को रिमेम्बर करेंगे। तो इसके लिए सबसे मतलब ज़्यादा इस टेस्ट को प्रैक्टिस करें, और इन सब का मतलब मैं एक एक करके क्वेश्चन कराते जाऊंगा। और आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।